मैं तो तुमको बता रहा हूँ आज के जनता आई नहीं है तो उनको भी मुझे बताना पड़ेगा फिर से, बट तुम समझ लो तुम जब उनको बताऊंगा तुम करता रहना पसंद। यू भी निकालना पड़ता है और स्टेप डेविएशन यू निकाल के 39/h भी करना है। स्टेप डेविएशन मैं बताऊं क्या? नहीं सर वो मैंने बस ऐसे पूछा। ए प्लस समेशन एफ पर नहीं आएगी समेशन एफ पर मतलब, और फिर ऐसी चीज जो नहीं आएगी वो बच्चा समझने में भी विश्वास रखता नहीं है। भरोसा दे दे मतलब हो सकता है कि सर बताओ मत इतना कंफ्यूजन होगा दिमाग में। देखी नहीं डेविएशन स्टेप डेविएशन नहीं, अगर तुम बोलोगे तो मैं बता भी दूंगा। वो और ज़्यादा छोटी हो जाती है। हाँ छोटी हो गई है। उसमें टेबल को क्या कर देते हैं अपन, छोटा कर देते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। अब जैसे मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट मेथड तुमको आ रही है, सॉरी शॉर्टकट जोड़ते घटाते आप सीख गए। पहले दिक्कत किसकी हो रही थी? बस केवल प्लस करने में ही आ रही थी ना आपको। प्लस भी कैसे करना है वो मैंने बताया कि माइनस वाले सबको प्लस कर दो और साइन क्या लगा दो माइनस का, और प्लस वाले सबको प्लस कर दो, फिर आखिरी में दोनों को जो भी ये साइन बड़ा छोटा देख के वैल्यू के हिसाब से पुट कर लो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन से बता देता हूँ आपको इसमें क्या कैसे हैं, इसको बात तो कर लेते हैं। चलो ये स्टेप डेविएशन में क्या होता है यही क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टेप डेविएशन क्या नाम है बेटा? स्टेप डेविएशन फार्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू, अब जैसे मान लो आ भी नहीं रहा है तो आपको कॉमर्स वगैरह में आ जाएगा ये ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई यू आई इंटू, समझ गए फॉर्मूला? क्लियर है? बुक से ही है। अब इसमें कौन सी चीज क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, एच नहीं एफ आई इंटू यू आई। एफ आई आपको पता है? देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था जो डायरेक्ट मेथड था उसमें क्या यूज किया था आप? जो आपका शॉर्टकट मेथड है उसमें क्या यूज किया? बाकी पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। और जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है समेशन एफ आई, समझ गए सर? ये एसडी, एसडी मतलब स्टेप डेविएशन सर। ये डायरेक्ट एसी और ये है शॉर्टकट, शॉर्टकट स्टेप डेविएशन ठीक है स्टेप डेविएशन सर। फिर ये जो सबसे ऊपर लिखा है ये किस चीज का है? ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। और ये फिर जो नीचे है वो रेशियो है? अरे भाई डायरेक्ट मेथड में ये अपन ने समेशन एफ आई यू आई यूज किया था कि नहीं, पूरे फॉर्मूला ही बताना पड़ेगा तेरे को। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई था कि नहीं, बोलने का मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस अभी जो लिखा समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूले का मतलब ये मैंने शॉर्टकट बता दिया था कि इनके अंदर अंदर यूज थे ये। अब ये मतलब ये मेरे को वापस से लिखने पड़े बिकॉज ऑफ यू दिस इक्वेशंस वी हैव यू, मतलब मैंने ये बताया था कि इस फॉर्मूले में ये एफ आई डी आई एक्स आई यू ये यूज हो रहा है, इसमें एफ आई डी आई ये यूज हो रहा है और एफ आई यू आई ये यूज होगा। ठीक है, मतलब दो चीज़ें भूतकाल की बीत चुकी और एक चीज़ें भविष्यकाल में आने वाली है, अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ आपका फ्यूचर ये वाला। तो ये मेथड से बताया आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है स्टेप डेविएशन कैसे होता है। देखो आप भले ही से ये आपको नहीं आ रही हो बाकी फिर भी यू शुड नो दिस। ए यहां पर क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, मैंने आपको बोला था ये कौन से टेबल से आता है? एच जो होता है, एच जनरली आप कुछ भी ले सकते हो, एच इज एनी अज्यूम नंबर। ये क्या होता है? नहीं ये एक्स आई में से नहीं लेते हैं, ये अज्यूम नंबर होता है, अज्यूम नंबर होता है और जनरली जनरली ये 5 और 10 होता है, ले तो कुछ भी सकते हो। इसको टेबल में से नहीं लेना रहता ना, कुछ भी ले लो, 100 लेना 200 लेना 300 लेना 500 लेना जो लेना है, मैं तो इवन ए का भी बोल रहा हूँ ना तुमको। फॉर सिंपलिसिटी अपन एक्स आई की टेबल से बीच वाला नंबर
ले लेते हैं, वो इसलिए बीच वाला नंबर लेने से क्या फ़ायदा, आधे माइनस, बीच वाला जीरो, नीचे वाले प्लस। अब बीच वाला नहीं लोगे तो क्या होगा, या तो सारे के सारे प्लस या तो सारे के सारे माइनस। नीचे वाले ले लिया तो नीचे वाले जीरो, उसके ऊपर के सारे माइनस, ऊपर वाला ले लिया तो ऊपर वाला जीरो, उसके नीचे वाले सारे प्लस। समझ में आएगी नहीं बात, मतलब अज्यूम द मीन में ए आपके हाथों में है, ये किसी भी टीचर के बारे में मत जाना आप, आपको टीचर बोलेंगे कि अज्यूम मीन एक्साइटेबल से ही होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि उसी के कारण आंसर सही आएगा। फॉर सिंप्लिसिटी बात पे ध्यान दो, फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक इट द सेंटर नंबर। सिंप्लिसिटी समझते हो, थोड़ा सा चीज़ों को आसान करने के, ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, आपको जो लेना है आप ले लो, कुछ भी नहीं है बेटा। टेबल क्या बनाते थे, ये एक्स आई की टेबल, ठीक, ये एफ आई की टेबल। अच्छा, इसके पहले मान लो कुछ क्लास इंटरवल दिया होता तो उससे एक्स आई कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मैं मान लेता हूँ ये सीधे एक्स आई दिया, कुछ 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, अभी मन से कुछ नंबर ले लिए मैंने, 70 तक ले लिया, 80 तक ले लेता हूँ, आपका बुक वाले ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, कोई समस्या है इसमें, चलो बुक वाले क्वेश्चन ने। अच्छा, क्लास इंटरवल दिया था, उसने क्लास इंटरवल से एक्साई में कन्वर्ट कर लिया, नाउ ऑल ऑफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट इट, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो भाई मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या निकालते हो, सबसे पहले आप क्या निकालते हो, डी आई शॉर्टकट मेथड में, एक एफ आई एक्स आई में तो आप करना ही नहीं ना अपने को। देखो जितनी मेथड है उतने टेबल्स नए नए ऐड हो जाते हैं, नहीं समझे, डायरेक्ट मेथड में कितने टेबल बने, 1, 2, 3, डायरेक्ट मेथड में कितने टेबल बनाते, 3, अगर सीआई का टेबल होता तो उसको मिला के कितने, 4, अभी सीआई का टेबल नहीं है, मान लो कि कन्वर्टेड दिया तो कितने, 1, 2, 3, फिर शॉर्टकट मेथड में कितने टेबल बने, 1, 2, एक टेबल किसका बनाएंगे पहले, डीआई का, उसके टोटल का कोई काम नहीं, पर उसको डीआई का मतलब किससे मल्टीप्लाई करने के लिए रहता था, एफआई डीआई से, तो टोटल कितने कॉलम बने थे, 4, नहीं समझे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कितने कॉलम बनाओगे, 5, कौन कौन से, वो तो बनेगी बनेगी, कौन कौन से, डीआई क्या था, एक्साई माइनस ए था कि नहीं रे बेटा, बिल्कुल था, यहाँ पर ये जो आपका रहेगा दैट इज योर यूआई, यूआई क्या होगा, डीआई बाय एच, यूआई क्या हो जाएगा, डीआई बाय एच, मतलब अपन नंबर को छोटा कर रहे थे, एक्साई नंबर को क्या किया, छोटा, पहले इधर छोटा किया घटा के, अब इधर जो आंसर मिला उसको डिवाइड करके और छोटा कर रहे हैं। बस इतना सा याद रख लिया तो आपके हाथ में है क्वेश्चन। अब यही चीज तुमको इतनी ज्यादा दुखदाई दे जाएगी, इसके पीछे तुम रो दोगे, बोले सर क्या है ये, मतलब छोटा सा याद नहीं करोगे पर रोने धोने में अपनी एनर्जी वेस्ट जरूर करोगे, ठीक है, हाँ तो उसको अप्लाई भी करना है। अब मैं कहूँ इसकी टेबल बनाना है तो इसकी तो बना लोगे आप, चलो अज्यूम मीन क्या लेना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि 50 लेना, तेरे को 60 लेना, 70 लेना, 80 लेना, सब ले ले तू, पर बैठेगा कौन सा, आपका आंसर 50 से ही, ठीक है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वालिटी थिंग्स, ऐसा नहीं है कि हमने रट्टा मारी के लिए ये बीच का ले लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक का वैल्यू जरूरी नहीं कि इस टेबल से लो, क्योंकि जो वैल्यू आप लोगे उसका कंपनसेट यहाँ पर मिलता है, जो घटाते हो वही चीज़ यहाँ पर क्या करते हो, जोड़ते भी हो, नहीं समझ रहे, जो चीज डिवाइड करोगे वो चीज यहां पर मल्टीप्लाई भी करते हो, इसका मतलब दोनों चीजें कंपनसेट हो जाती है। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला 100 प्लस 100 को क्या करो, जोड़ो, जैसे 100 प्लस 200, आपको लग रहा है नहीं यार सर बहुत डिफिकल्ट, ऐसा तो लग रहा है कितना, 300, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, तेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो तू क्या कर, कि तू 100 और 100 दोनों में से 100 क्या कर, माइनस कर, दोनों में से 100 क्या कर, ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको, बोलेगा सर इससे तो अच्छा मैं 300 कर लूंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो 100 इसमें से माइनस किए तो कितना हो गया, 0, और 100 इसमें से माइनस किए तो कितने, 100। अब तुमने 100 कितनी बार माइनस किए, दो बार माइनस किए, तो 100 को कितनी बार जोड़ लो, और दो बार,
तो अल्टीमेटली कितना, ये 300। खैर मैं बता रहा हूँ, तुम जिस चीज को माइनस करते हो उस चीज को बाद में प्लस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला। ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, अप्लाई करते समझ में आ जाएगा, बता दिया हो गया, बट उसका मतलब ऐसा किया क्यों भाई तूने, ए यहाँ पे घटाया तो जोड़ा क्यों, इसीलिए क्योंकि आपने जो माइनस किया था उसका कंपनसेट यहाँ पे एक बार प्लस करके आपने कर दिया। ये किसमें था जैसा याद रहे कि ये यहाँ पर एच नहीं था, किसमें, शॉर्टकट में, और यहाँ पर कितना था ये लिखा हुआ फॉर्मूला डी आई था, और अपना जो डेविएशन मेथड है उसमें अपना क्या हो गया डी आई को हटा के अपना क्या बना, देखो यू आई, और ये ए तो ए है ही और साथ में ये कितना है एच मल्टीप्लाई में। चलो अब देखो यहाँ पे डी आई की वैल्यू निकालो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा एच क्या लेना चाहिए, ठीक है। माइनस 30 अपन ने 50 लिया, अच्छा इसको उल्टा तो नहीं करते हो ना, एक्स आई माइनस 50 मतलब 20 माइनस 50 कितना, अब डायरेक्ट लिखना चालू कर दें, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 और 30, क्या बहुत दिक्कत है इसमें अब लिखने में, समझ गए आप तो, घटाने की भी जरूरत नहीं हर बार की, चलो भर भर घटा रहे, दो तीन नंबर से पता चल जाएगा कि नीचे क्या आने वाले। फिर हम क्या करते हैं बेटा, ये सभी नंबर में क्या कॉमन आ रहे हैं, 10, व्हाट इज कॉमन, 10, ये 10 से डिवाइड होता है, ये 10 से होता है, ये 0 तो होता है, ये सभी 10 से डिवाइड होते हैं, तो 0, नहीं समझे, 0/0 ऊपर है, 0/h क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। थीम समझ में आ रही है, समझना नहीं सीखना है, जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए हमेशा सीखने का, समझता तो बच्चा तो पढ़ता तो हर कोई है, समझ के अपने को अच्छा है, ऐसा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आता है ना तो उसको फिर क्या है कि मैं ये वाला क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए मेरे पास उत्तर तो मैं कर लूंगा। अच्छा अब यू आई क्या होगा बेटा बताओ, अपन एज कितना मान लेते हैं, लेटेस्ट एक और टेबल की मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है इसको हटा देंगे, इसको थोड़ा इधर बाजू में लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू और एच इज इक्वल टू, ठीक चलो इतने में अपना काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एच क्या लेंगे, 10। एक बच्चा बोलेगा सर 5 ले लो, तो 5 ले ले, मैंने कहा मना किया, मैं तो बोलता हूँ 5 से अच्छा तो 10 है बेटा, 5 में नंबर ये 6 बनेगा, 10 पे तो 3 हो जाएगा बे, नहीं समझ रहा लालची, तो बोलेगा सर फिर 100 ही ले लो ना, तो फिर 100 में 0.3 हो जाएगा वो, अरे यार तू पॉइंट सॉल्व कर लेगा क्या, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं लेना है तेरे को ले ले, क्योंकि तू वहां कर रहा है तो वहां देख, वहां सब कर देगा तू, बराबर कर देगा। अच्छा मतलब मैं, मुझे सुटेबल लग रहा है एच को मैं कितना ले लूं, 10। आपको इस डाटा को देख के एच को लेना पड़ता है, हो सकता है यहाँ पे सब में 35 25 45 ऐसे नंबर आते हैं तो फिर तुम्हारे दिमाग में आता क्या लूं, सब में 5-5 है आखिरी में, तो 5 वाले 5 से डिवाइड होते हैं आखिरी में, 5 35 45 ये किससे डिवाइड, तब एच कितना ले लेते, 5 ले लो, आया समझ में, अगर सीधे डिविजिबल ही हो तो जैसे कुछ टेबल ही दी हो, हाँ तो वो पर्टिकुलर एक से एक ही नंबर से सब डिवाइड होना, आप तेरे को जो लेना है जो लेना है, ये भी सब डिविजिबल तो है बेटा, ये 10 से है नहीं, जैसे 2 की टेबल, 2 की टेबल है तो 2 से ले ले, 2 से ले लो, कोई ना कोई सा तो नंबर होगा, और नहीं मिले मान लो कोई डिविजिबल ही नहीं है तो 10 ले लेना, पॉइंट में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, जैसे यहाँ पे आता कितना 31 32 33 34 35 36 37 मान लो, तो क्या कर लेते हैं आप, तो पॉइंट में ले लेते 3.1 3.2 पर नंबर तो क्या हो गए छोटे हो गए, पर ऐसा कुछ आपको मिलता नहीं है, उसका कारण ये होता है क्योंकि ये जो आप ले रहे हो ना, ये जो आप ले रहे हो ये क्या होता है, एक सिमेट्री बनाते हैं अपने आप, सिमेट्री कैसा, 10 से 20 20 से 30 30 से 40 समझ में आ रही बात, अगर यहाँ 10 का गैप है तो फिर इधर भी 10 का मिलेगा, अगर यहाँ 5 का है तो यहाँ भी 5 का मिलेगा, इसलिए लोग बोलते हैं कि H वो ले लो जो इस क्लास इंटरवल के बीच का गैप हो, समझ में आ रही बात, और जरूरी नहीं, अच्छा ये एक्स आई तो क्या होता है, बदल बदल के आते हैं, जैसे कभी 20 है 30 है
अगर सी आई दिया होता है तो वो तो सीक्वेंस में आता है, सी आई सीक्वेंस में आता है कि नहीं, मतलब 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, पर अगर एक्स आई का क्वेश्चन आया मात्र, तो वो फिर तो कुछ भी मनगढ़ंत चलता है, इधर 5, 6, 7, 8, 9, तो जनरली उस टाइप का क्वेश्चन तुमको देते नहीं है, अगर दे भी दिया तो फिर उसमें एच जो बनेगा वो मनगढ़ंत बनेगा। जनरली मैंने आपको एच बोल दिया, एच क्या लेना अच्छा रहता है, 5 और 10, जिसमें जो 10 होता है वो तो क्या होता है बेस्ट चॉइस, और जब से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 ले लो, 15 से हो रहा है मान लो, तुमको पता चल रहा है 15 के मल्टीपल आ रहे 45, 150, तो तब तुम 5 से तो डिवाइड कर दोगे, तो फिर नंबर इतना छोटा नहीं हुआ, जो 15 से भी हो रहा होता तो 15 से करना बेस्ट होता उस समय। क्या बात समझ में आई, मतलब यू हैव टू जस्ट चेक द डिविजिबिलिटी, किससे ये नंबर डिवाइड सभी से होता है उतना कर लोगे तुम। तो मेरा एज कितना ले लिया लेटेस्ट से इतना, चलो ये कितना होगा, यू आई क्या बन रहा है, डी आई अपॉन में एच, अच्छा आई का मतलब तो समझ गया ना, आई मतलब इंडेक्स है, मतलब ये पहली टेबल वाला, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, चौथी टेबल, पांचवी टेबल, तो अब यू आई की बात करेंगे नहीं अपन, उसे भी माइनस 3 नहीं आया, नहीं आया, अच्छा अब क्या निकालते अपन, तो बेटा अपन निकाल ही इसीलिए रहे हैं कि डी आई में अपन जब अपन एक्चुअली एक्स आई का यूज़ कब करते थे कि जब डायरेक्ट मेथड यूज़ करते थे, अब जब इसको यूज़ कर नहीं रहे तो उसका कोई यूज़ नहीं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर नहीं रहे तो इसका यूज़ अब है ही नहीं, क्योंकि इसकी मदद से अपन दूसरे टेबल को निकाल रहे हैं, तो दूसरी टेबल अपनी कौन सी बनी, तो इसका यूज़ आपको बाकी दूसरी दो जो टेबल है वो सपोर्टिंग एक्टर है बस तीसरी वाली को निकालने के लिए। चलो निकाल लो कितना बनेगा एफ आई यू आई, -18, -22, -7, 0, 4। अरे तो बहुत आसान हो गया, नंबर क्या हो गए, क्या आपको टोटल करते आता है इनका, अब मुझे सिखाने की जरूरत तो नहीं होगी, मैंने आपको बताया था कि माइनस वालों को सबको पहले क्या कर लो और एक साथ इकट्ठा माइनस साइन लगा दो उन पर, और प्लस वालों को सबको प्लस कर लो और प्लस साइन लगा लो, फिर जो नंबर मिलेंगे आपको उन दोनों को सॉल्व कर लेना बड़ा छोटा देख के। तो अब ये वर्बली भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से, और फाइनली वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 36 आ रहा है, क्या आप सभी ने नोट कर लिया, माइनस 36 आएगा फाइनल आंसर इसका, जोड़ घटाते आ जाएगा, बस लगा दो आंसर में वैल्यू, मतलब इसके फॉर्मूले में ए कितना है, ए 50 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है, अपॉन कितना 30, समेशन एफ आई कितना बन रहा है ये, और इनटू जो एच आपने किया था देखो वो कितना, देखो यहाँ पे 50 सब में से घटाया था तो 50 इधर एक बार का जोड़ दिया, और 10 सब में डिवाइड किया था तो 10 सब में क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब आप डायरेक्ट मेथड हमेशा आपको यूजफुल हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये तो कर सकते हो यार, इतना तो तुम्हारे हाथ में है, इसको तुम कर लो, कैंसिल करोगे तो ये 5 × 10 और ये कितना 7, तो ये हो रहा है 50 माइनस का 36 × कितना 72 अपॉन में कितना 7। एलसीएम मत लो, डिवाइड कर लो डायरेक्ट, स्कोर माइनस कर दो, एलसीएम लेने में फिर क्या होता है बहुत लेंदी हो जाता है, ये तो बहुत देखो आसानी से हो रहा है कि नहीं, 7 × 70 = 60, 7 × 10 कितना होता है 70, मतलब 10 तो आ ही रहा है, थोड़ा सा 2 कदम का है तो डिवाइड करके देख लो तो कितना आ रहा है, 7.1 लगभग आ रहा है क्या, निकाल लो 50 माइनस कितना 50 माइनस 1 क्यों 10 पॉइंट कुछ 1 बनेगा ना, नहीं आया 10.1 आएगा कि कुछ और लगभग कुछ आ रहा है 2 आ रहा है क्या, जैसा भी कर ले यार,
10.2 तक एक डिजिट तक निकालो, 8.5 वगैरह नहीं, बस 10.2 एक डिजिट आ गया। 50 में से 10.2 आसानी से माइनस किया जा सकता है, तो कितना आ रहा है 38.8 अप्रॉक्स। क्या लिख देना सर, 10 की जगह कुछ भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, ठीक है आ गया आंसर। अच्छा एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 10.2 कितना बता रहे हो आप? हाँ चल 10.2857 दो डिजिट तक का ले लो, जैसे और आगे और भी है। दो डिजिट का लेते तो क्या आता, 39.71 आएगा। ये कुछ गलत किया ना माइनस, 39.71 ये दो है तो ये 70 कुछ 39.8 आएगा, 39.8 हो जाएगा लगभग लगभग। माइनस करते आता है कि नहीं, 10.2 से 39 आएगा, 10.28 करेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 28 करेंगे तो सर 82 हो जाएगा। तो माइनस करते, मेन दिक्कत बच्चों को यही आती है, उसको माइनस करते नहीं आता आज भी। करते हैं ना माइनस करते आता है तुमको, डिवाइड करते नहीं आता है, तभी तो लफड़े पड़ते हैं। मतलब अपना बचपन में प्रैक्टिस हुआ नहीं तो उसका भुगतान अपने को अभी करना पड़ रहा है ना। 72/7 आज बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं रिजल्ट कितना आएगा एक बार में, अगर वो कैलसी से कर, बिना कैलसी से करता है तो उसको फिर एक बार पॉइंट लगाएगा, बोलेगा नहीं 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 हटाएगा, फिर लगाएगा बोले हाँ हाँ हाँ। समझ रहे हो बात को, कहाँ दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पर। चलो खैर समझ गए, इज इट क्लियर? तो ऐसा कैसा अब आपका एग्जाम्पल 3 है उसको कर लो जरा फटाफट। हाँ चल, एक्सरसाइज जो 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या सभी ने कर लिया? पर इसमें एक चीज की सावधानी रखनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं, आपकी बुक से तो मैच हो रहा है सभी का आंसर, पीछे से मैच किया आपने, पर इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपकी एग्जाम कैसी है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया कैसा? अच्छा ये टेबल सिमेट्री है क्या? 53 से कितना 55, फिर कितने की गैप आ रही है, दो दो की, 55 से कितना 57, 57 से कितना, नहीं सर ये 56 से 58, ओह यस 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 56, अच्छा ये गैप सेम नहीं है, 56 से 58, 59 से कितना 61, और फिर 62 से 64, और फिर बस इतना ही दिया है, है ना। अब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आप देख रहे हो जब हम करते थे ना, तो ये जहाँ पे ख़त्म होता था वहाँ से ये नंबर क्या होता था, शुरू होता था, समझ में आ रहा है? पर यहाँ पर ये नंबर 52 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 53। एक नाइन्थ में एक स्टेटिस्टिक्स में था ऐसे क्वेश्चंस कि इस टेबल को किस में कन्वर्ट करना पड़ता था आपको, प्रॉपर क्लास इंटरवल में। एक्चुअली प्रॉपर क्लास इंटरवल में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं आसान है, समझ लो इसको ध्यान से, कुछ भी नहीं आपका, जब करोगे तो आंसर वही आएगा जो उससे कर रहे हो, पर आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और टेबल बनेगी दोस्तों, जो कि सिमेट्री वाली रहेगी। सर वो कैसे बनेगी? वो ऐसे बनती है, आपको इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। हाँ क्या लेना है, डिफरेंस। नहीं आया समझ में सर, किसका किससे करना है, इधर का और इधर का, डिफरेंस मतलब माइनस, 53 माइनस 52, बड़े माइनस छोटे का 1, उसका करना है आधा, कितना हुआ 0.5, 52.5। समझ में आई बात, आया कि नहीं आया? हर जगह देखो 55 से 56 कितना आया, 1, 58 से 59 कितना, हर बार कितना आया, क्या ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए तो बता दिया मैंने, अब ज़्यादा के लिए बताऊँगा एक क्वेश्चन, नहीं तो बच्चा फिर क्या है वो सोचता है 0.5 उधर करेगा, 0.5 उधर घटाएगा, उसको घटाते हैं कि 0.5 जोड़ना रहे 0.5 घटाना रहे, पर वैसा नहीं है, NCERT है, मतलब ये है CBSE, आपकी परीक्षा ऐसे नहीं लेती है, आपकी परीक्षा कॉन्सेप्ट से लेती है, मतलब वो टेबल देती है ये, तो आप तो इसमें कर दोगे, समझ में आया ना, मतलब क्या करा आपने, 53 माइनस 52 प्रोपॉन में क्या 2, तो कितना आया 1,
बाय टू, तो कितना निकला 0.5। अब कुछ नहीं करना है, 0.5 इसमें घटाना है और 0.5 इसमें क्या कर देना है, जोड़ना है। मतलब हर एफ लेफ्ट हैंड वाले में 0.5 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और हर जो राइट हैंड साइड है उधर 0.5 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आया? मतलब 50 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 49.5। नहीं आया? 52 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 52.5। क्या आपको जोड़ते और घटाते आता है? हाँ। वो चीज़ मुझे सिखानी चाहिए। ठीक, 53 में से अगर 0.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, और इसमें 0.5 जुड़ेगा तो किधर से 0.5 हटाया, नया बन गया, बिल्कुल बनेगा। सॉल्व भी इसी से ही करना है, पर वो आंसर वही आएगा, ऐसे बाकी सो ऑन कर लोगे। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे ख़त्म, सेम चीज़ यहाँ से शुरू। 55.5 पे ख़त्म, 50.5 से शुरू, ऐसी पूरी टेबल बन जाएगी। क्या समझ में आया ये, इज दैट क्लियर? अब मेरा डाटा ऐसा होता, 50 से 52 और 54 से 56, 58 से 60, बस ये तीन टेबल का ही समझ लेते, तब काम नहीं बनता 0.5 जोड़ के और 0.5 घटा के। समझ में आ रहा है, क्लियर है? खैर मैंने बता दिया, पर ऐसा कुछ बनता नहीं है, बनता इसी टाइप से, ये 0.5 और 0.5 जोड़ने, क्योंकि एक का ही गैप देते हैं वो, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी ऐसे आएगा कि अलग एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी से अलग आएगा, है ना? एनसीईआरटी से पेपर तुमने अगर नोट किया है तो उससे पेपर मात्रा नहीं है। एनसीईआरटी मात्र क्या बताती है आपको, तरीका बताती है। अगर ये चीज़ को तुमने समझ लिया तो, अगर सीबीएसई पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। आपका स्कूल वाला दे सकता है एनसीईआरटी से, क्योंकि उसको डर रहता है ना रिजल्ट का। ठीक है, तो अब आप, हालांकि अब ये तो बोर्ड हो गया, अब नेक्स्ट ये आएगा अपना, वो आएगा आपका बोर्ड 12th में। ठीक है, कब? मार्च में। नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे 10th में तो होगी, वही तो बोल रहा हूँ मैं। 10th के बाद अब सीधे किसमें, 12th में, तो वहाँ भी वो चीज़ आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते। ठीक है, इट इज़ जस्ट एन सिलेबस टू गिव ब्रीफ, ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। चलो खैर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसीलिए एनसीईआरटी समझ के और अप्लाई करना रहता है, वो बस डिजिट बदल देंगे, डिजिट बदल के आपको करते आना चाहिए। तो ये समझ गए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 54 माइनस 52 अपॉन में 2 करेंगे, ये 2 फिक्स है हमेशा, तो कितना आ रहा है, मतलब प्लस 1 जोड़ेंगे और माइनस 1 घटाएंगे, इधर घटाया तो इधर जोड़ा तो कितना माइनस करेंगे, इधर माइनस 51। समझ गए? तो ये आपका कैसा हो जाएगा डाटा, जो आपका प्रॉपर क्लास इंटरवल है उस टाइप से हो जाएगा। बिल्कुल भी समझ नहीं आया? तो ये मैंने कौन सा बताया, एक्सरसाइज 15.1 का पांचवा क्वेश्चन, जिसमें आपको टेबल कैसी मॉडिफाई करनी पड़ेगी ऐसी। अच्छा सुनो, अब अपन क्या करते थे, इससे क्लास इंटरवल बनाते थे बेटा। मतलब अब आपके इससे क्लास इंटरवल क्या बना होगा, 50 और 52 कितना, 50 और 52 49.5। नहीं, 50 और 52 को जोड़ा तो कितना, मान लो इसको किया तुमने 102, 102 अपॉन में 2 कितना, 51 बनेगा कि नहीं बनेगा इसका। चलो इसका इसका बनाओ, इसका भी वही बनेगा 51। देखो नहीं नहीं, इसका अगर मान लो इसको कन्वर्ट किया, इसका भी तो 51 बनता। नहीं समझ में आया? अरे तूने 0.5 जोड़ा और घटाया तो उससे कौन सा फर्क पड़ गया, नंबर तो वही रहेगा। मतलब इसका भी आ कितना रहा है, दोनों को जोड़ ले यार, 49 0.5 और 0.5 जोड़ते थे ना कॉपी में नंबर, 0.5 0.5 को 50 और ये 52, वही 102 अपॉन में 2 आया कितना। केवल ये टेबल दिखाने की, कितने मार्क्स काट लेगी आपकी मैडम, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो भी मार्क्स तो अब वो आपके टीचर पे डिपेंड करेगा, वो तो काट लेगी, मैं भी काटूंगा।
क्यों? क्योंकि इट वॉज पार्ट ऑफ योर पार्ट ऑफ योर मेथड एंड पार्ट ऑफ योर प्रोसेस पार्ट ऑफ योर स्टेप्स दैट यू हैव स्किप्ड. सब्जेक्टिव मार्किंग में याद रखना है, बोर्ड साफ बोलता है स्टेप के मार्क्स होते हैं. स्टेप खा गए मार्क्स ले लो ना यार, फिर क्या मतलब इतनी मेहनत करी और गिलास फोड़ा ना बाहर आना. पूरे चार नंबर मिल रहे हैं तेरे को और तू तीन में खुश है, तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ कौन है एक स्टेप और लिखने के. नहीं आया समझ में तुमको मैंने क्या बोल दिया? एक स्टेप और बढ़ाने में तुमको अगर एक नंबर मिल रहा है जिसको कमाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या नहीं करोगे क्या? बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ बता दी क्या रे? कर लेना, नहीं करो तो तुम्हारी इच्छा. मेरी कौन सी मार्कशीट लिखी जा रही भाई, तुम्हारी आएगी. पर समझना बात को, अगर ये क्वेश्चन दिया है तो वैसा करना पड़ेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा. और मैं लिख के दे देता हूँ क्वेश्चन, जब तुम्हारे बोर्ड में पूछेगा ना वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि वो वैसा क्वेश्चन पूछता है जो हम नहीं करते हैं. फिर तुमको अभी याद नहीं रहेगी, अभी जोड़ लोगे. जब तुम एग्जाम में देते हो ना तब तुमको समझ में आएगा यार मैंने ऐसा क्वेश्चन क्या नहीं था पढ़ा था. और तुम करते कैसे मेथड से फिर अपनी जेन्यून में कर दोगे, पर वो टीचर मार्क्स कितने काट लेगी उसमें? तो अपन एक नंबर देना नहीं चाहते गुरु, अपने को वो नंबर भी चाहिए. क्योंकि पहले तो नंबर की मारा मारी और ये इतना ईजी चीज़ है कि टेबल बनाने के नंबर मिल रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा आसान चीज़ और क्या होगा? मैंने कहा था ना कि इट इज़ वेरी ईजी बट कन्फ्यूजिंग. अब जैसे जैसे पांच क्वेश्चन कर लोगे ना आप, आपको बहुत आसान हो जाएगा. अभी एनसीईआरटी के कर लोगे आराम से, शॉर्टकट मीन डेविएशन सब क्लियर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे अब तो, कुछ कुछ आपको याद होने लगे होंगे. तो शुरू में कैसा लगा था? लग रहा था ना कि डिफिकल्ट है, बट अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है ना. चलो वो एग्जाम्पल जो मैंने बोला वो कर लो. एग्जाम्पल 3